सो हेलो गाइस, फेसबुक एड्स कोर्स की इस सीरीज़ में हमने लास्ट वाली क्लास में सीखा था कि कैसे आपको प्रॉपर तरीके से पेज को सेटअप करना है, साथ ही मेटा बिजनेस सूट के बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा था। और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, जो कि आप जब भी अपना ऐड चलाएंगे उससे पहले आपको प्रॉपर प्रिपेयर करके रख लेना है। इवेंट्स को कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आपको सेटअप करना है, और बिजनेस मैनेजर का हम थोड़ा एक ओवरव्यू करने वाले हैं। तो ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करके आप अपनी वीडियो को शुरू कर सकते हैं। कल हम लोगों ने पेज बनाया था ना, तो उसी पेज का आज प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसे सेट करना है वो चीज़ सीखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने होम पर आना है, और जब हम होम पर आएंगे तो यहाँ पर हमें पेजेस का ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर आप देखेंगे ना, आप अगर पेज पहले से सिलेक्टेड कर रखें तब तो कोई बात नहीं, मान लीजिए हम प्रोफाइल पर हैं, ठीक है, प्रोफाइल पर आपको ये पेजेस का ऑप्शन शायद नहीं दिखेगा। तो आप सी मोर पर आइएगा और सी मोर में आपको पेजेस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप जो भी पेज सेलेक्ट करना चाहें वो पेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए बाकी सारे ऑप्शन डिसेबल्ड हैं, क्योंकि हमें अगर कोई काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पेज को मैनेज करना है तो इसको स्विच करके हमें सबसे पहले पेज पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग हैं अपनी प्रोफाइल पर। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर जब हम पेज में आएंगे ना, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें इनसाइट्स, एड सेंटर, क्रिएट एड, बूस्ट और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देखी भी थी, बट हमने प्रोफेशनल डैशबोर्ड को कैसे यूज करना है ये नहीं देखा था, तो ये आज हम देखने जा रहे हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जैसे ही हम आएंगे ना, तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको काफ़ी सारा सेटिंग्स दिखेगा। इसमें पहले नंबर पर आपको मिलेगा इनसाइट्स में होम का पेज, जहां पर आप अपनी इनसाइट्स को देख सकते हैं। इनसाइट्स देखने का ऑप्शन आपको वहां पर भी मिलता है। साइट्स का मतलब आपका पेज का रीच कैसा चल रहा है। तो अभी कल ही हमने ये पेज बनाया है तो यहाँ पर हमें शायद ज़्यादा रीच देखने को ना मिले, तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, अपना एक दूसरा पेज ओपन करेंगे और उसके डैशबोर्ड में जाएंगे, क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी हैं। तो हम अभी पेज दूसरा ले लिए हैं, और यहाँ पर अगर हम ओवरव्यू में आएंगे तो हमें पूरा पेज का ओवरव्यू दिखेगा। एंड हम आएंगे इनसाइट्स के होम में, तो इनसाइट्स के होम में हम आते हैं, तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स है ना, लास्ट 28 डेज में हमारी पेज की रीच क्या है, इंगेजमेंट क्या है, कितने फॉलोअर्स आए हैं, पोस्ट का डिटेल, ऑडियंस का डिटेल, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नाउ योर पेज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अगेन ये इनसाइट्स का ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको पूरा पेज का ओवरव्यू इस फॉर्मेट में दिख जाएगा। उसके बाद हमें कंटेंट का ऑप्शन मिलता है, कंटेंट की इनसाइट्स आप देख सकते हैं, माने जो जो पोस्ट हमने करी हैं उसमें हर एक पोस्ट की क्या क्या रीच गई है वो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर रील का शायद रीच 112 गया है, बाकी का कम है ना, तो हम इस तरीके से ना थोड़ा सा एक एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या ऐसा इसमें बताया गया था। उसके बाद ऑडियंस का इनसाइट्स आप देख सकते हो, ठीक है, ये कल भी हमने देखा था और आज ये आप अपने पेज के डैशबोर्ड से भी ये चीज़ आप देख पाओगे। नाउ ग्रो योर ऑडियंस में आप एड सेंटर या इनवाइट पीपल टू योर टू कनेक्ट है ना, आप ऐड वगैरह यहाँ से चला सकते हो, हमें यहाँ से ऐड नहीं चलानी है। नाउ आएंगे योर टूल में, ठीक है, तो योर टूल में काफ़ी सारे, देखो फेसबुक एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, फेसबुक ही नहीं, इवन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो या बाकी जो भी हैं, उन सब में ना डैशबोर्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, कुछ नए फीचर भी एड ऑन होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इससे कनेक्टेड रहें, रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर आते जाते रहें, तो आपको पता रहता जाएगा कि यार कौन सा नया टूल आया है, कौन सा नया फीचर आया है। लेकिन अगर आप इससे कनेक्टेड नहीं रहोगे तो आपको ये बहुत कठिन लगने वाला है, फिर आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो बस आपको क्या करना है कि टाइम टू टाइम आप आइए, कुछ एक चीज़ें देख के चले जाइए, है ना। लेवल प्रोग्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोग्रेस लेवल आपका क्या है, तो यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 इन लोगों ने बनाया है, जिसमें क्या है कि योर जर्नी टू सक्सेस स्टार्ट हेयर, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर ऑडियंस एंड फिनिश सेटिंग अप योर पेज। तो यहाँ पर पेज सेटअप का है कि भैया पेज में अगर कोई चीज़ कमी रह गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो ये आप देखो, न्यू पेज गाइड है, क्रिएटर एजुकेशन है, तो उसके बाद में यहाँ पर लेवल 2 नॉट स्टार्टेड है, इसमें आप क्या कर सकते हो, एडवांस लेवल को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। रीच 50 न्यू प्ले ऑन योर रील, क्रिएट न्यू पब्लिक कंटेंट, है ना, ऐसे करके यहाँ पर कई सारे लेवल हैं, और ये लेवल आपको जैसे जैसे आपका पोस्टिंग और काम होगा उस हिसाब से आपका ये एक्टिवेट, कई लोगों में ये ऑप्शन नहीं भी आ रहा होगा, है ना, लेवल प्रोग्रेस का। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है अर्न अचीवमेंट फॉर क्रिएटिंग रील्स, है ना,
तो यहाँ पर बीइंग इंस्पायर्ड का ऑप्शन है, और यहाँ पर भी देखो आप रिकरिंग अचीवमेंट 1K प्ले 2K प्ले, तो मतलब एक छोटा सा आपको बैच टाइप का दे देते हैं ना, तरह तरह की चीज़ें करते रहते हैं। यहाँ पर आप इनसाइट्स देख सकते हो, बी इंस्पायर्ड में आप दूसरों की रील वगैरह देख करके जो वायरल हो रही है वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, है ना, जो टॉप क्रिएटर्स हैं इनकी आप डिटेल यहाँ पर जा करके देख सकते हो। पॉपुलर हैशटैग से रिलेटेड क्या का कंटेंट वायरल हो रहा है वो जा करके देख करके एक इंस्पिरेशन ले करके आप क्या कर सकते हो, अपनी रील या वीडियो उसी पे टॉपिक पे बना सकते हो। देन ये हो गया हमारा इंस्पिरेशन हब, वही सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई। और उसके बाद में आपको आता है इवेंट का ऑप्शन, ठीक है। देखो बहुत सारी हम लोग ना इवेंट्स करते हैं, ऑनलाइन इवेंट करते हैं या फिर ऑफलाइन इवेंट करते हैं। फेसबुक के थ्रू आप इन इवेंट को प्रमोट कर सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उस पर आप ऐड भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो इवेंट का डेट, पीपल रीच रिस्पॉन्सेस, है ना, टिकट यहाँ पर आप सेल भी कर सकते हो अपनी टिकट भी। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर क्रिएट इवेंट पर हमने क्लिक करा तो ये आपका बैकग्राउंड बैनर लग गया। इवेंट का नाम डाल सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग बूट कैंप, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने इवेंट का नाम डाल दीजिए, डेट और टाइम ले लीजिए कि किस दिन और किस तारीख में ये होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एंड डेट भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये कह रहा है इन पर्सन, माने फिजिकल है या फिर वर्चुअल है, है ना, तो जो भी है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने वर्चुअल ले लिया, तो वर्चुअल कहाँ पर आप करोगे, फेसबुक पर ही लाइव आएंगे या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, तो उसका आप यहाँ पर लिंक वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप फेसबुक लाइव जाना चाहते हैं या अदर, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इन पर्सन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर लोकेशन डालनी पड़ेगी और डिटेल डालनी पड़ेगी अपने लोकेशन की, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। देन मार्केट योर इवेंट, है ना, किस टॉपिक पर है, आप यहाँ पर टॉपिक ले सकते हैं जो भी आपका है, है ना, जैसे गार्डनिंग से रिलेटेड हमने ले लिया। ऐड को होस्ट, अगर आपके मतलब जो इवेंट करने जा रहे हैं उसमें कोई को होस्ट हैं वो आप डाल सकते हो। टिकट्स आप यहाँ पर अपने टिकट की यूआरएल डाल सकते हो, जैसे बुक माई शो की यूआरएल डायरेक्ट यहाँ पर डाल सकते हो, तो डायरेक्टली वहाँ पर जाकर के कोई बाई कर लेगा, ठीक है। रिपीट इवेंट है ना, ये इवेंट अगर आप चाहते हो कि रिपीट हो, जैसे ऑनलाइन के केस में हम कई बार करते हैं, ऑफलाइन तो कोई नहीं करता है, बट अगर आपको लगता है कि अरे डेली वीकली या कस्टम किसी डेट में रिपीट होनी है ये इवेंट, तो आप वहाँ पर रिकरिंग इवेंट डेट और टाइम भी डाल सकते हो। और लास्ट में हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन सेटिंग्स हैं, इसमें गेस्ट लिस्ट कौन कौन आ रहे हैं वो आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो। ओनली होस्ट कैन पोस्ट इन इवेंट, अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो केवल होस्ट ही क्या करेगा, पोस्ट कर पाएगा इस पर्टिकुलर इवेंट में, है ना। पोस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाई अ होस्ट, तो ये सारी सेटिंग्स आपके हिसाब से हैं, आप देख लो अगर आपको जो भी डालना है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। हम यहाँ पर वर्चुअल ले लेते हैं और फेसबुक लाइव ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा डिटेल डालनी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर कुछ आपको लिख देना है, जैसे मैंने डाल दिया लर्न गार्डनिंग, और उसके बाद में हम क्रिएट इवेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्रिएट इवेंट पर क्लिक करेंगे हमारा इवेंट क्रिएट हो जाएगा। तो आप सभी लोग, जैसे आप आनंद सर हैं ना, या जो भी लोग मतलब एक क्रिएटर बनना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, है ना, जैसे आपका स्पीच वगैरह देना है या कुछ ऐसा है, लोगों को कनेक्ट करना है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 500 लोगों को जो आपके फ्रेंड्स लिस्ट में हैं उनको आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, जैसे रोहित कुमार को हमने सेलेक्ट कर लिया और सेंड इनविटेशन पर क्लिक करके इनको सेंड भी कर सकते हैं इनविटेशन का लिंक। बाकी यहाँ पर आप थोड़ा सा देखना, ये आपके ग्रुप्स हैं, है ना, कौन कौन से इवेंट आपने पहले से कर रखे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली हमारी बन गई क्या, इवेंट बन गई, डेट टाइम और यहाँ पर पूरा प्रॉपर लिख करके आ गया एक एक चीज़। और अब हम क्या करेंगे, इसको बूस्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा रीच करनी है, और यहाँ पर सेटअप लाइव वीडियो पर क्लिक करके आप अपना OBS कनेक्ट करके या फिर जैसे भी आपको करना है, OBS स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर होता है ना जिसकी मदद से लाइव किया जाता है। तो यहाँ पर देखो वेबकैम वगैरह आ गया है ना, और यहाँ पर जो भी सेटिंग्स हैं आप यहाँ कैमरा सेट कर लो, या इस किसी स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर से कर रहे हो कैमरा वगैरह सेटिंग करके, माइक वगैरह सेट करके, और फाइनली आपको क्या करना है, अगर लाइव करना है तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल वगैरह सारा डाल करके अगर आपको डालना है, और फाइनली हम कर देंगे गो लाइव पे। जैसे ही हम गो लाइव पर क्लिक करेंगे कुछ एक डिटेल हमें डालनी पड़ेंगी, पोस्ट ऑन टाइमलाइन का ऑप्शन है, पोस्ट इन ग्रुप का ऑप्शन है, है ना। यहाँ पर डेट मैंने शायद कोई डाली थी ना, शेड्यूल करी थी, तो उसी डेट में ही आपको ये लाइव गो लाइव का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डेट मैंने 31 अगस्त डाल दी थी ना, तो इस वजह से नहीं होगा। अदरवाइज मैं टाइम नहीं डाला होता तो क्या होता, ये आपको यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन आता, आप क्लिक करते और आप लाइव चले जाते, ठीक है।
तो इस तरीके से आप पेज के थ्रू और इवेंट जो है ना, आप इस तरीके से अगर आपको लाइव जाना तो पेज के थ्रू ही जा सकते हो, प्रोफाइल के थ्रू आप नहीं जा सकते हो। ऐसा नहीं है, आपके जो फ्रेंड लिस्ट में हैं उनको भी आप इनवाइट कर सकते हो, और जो फ्रेंड लिस्ट में नहीं है उनको भी इनवाइट कर सकते हो। अपनी जो इवेंट है उसका URL आप उनको शेयर कर दो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में कहीं पर भी, कि भैया आप जाकर के इस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वहां से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इनवाइट का ऑप्शन है ना, इनवाइट पर क्लिक करके आप इनवाइट कर सकते हो किसी को। ठीक है, यहाँ पर देखो शेयर का ऑप्शन दिया गया है, तो आप ये लिंक कॉपी करके कहीं और भी शेयर कर सकते हो किसी को, व्हाट्सएप वगैरह पे, है ना, डुप्लीकेट कर सकते हो। और यहाँ से हम इसको कर देंगे कैंसिल इवेंट, क्योंकि हमें करना तो है नहीं, और यहाँ पर हम कर देंगे डिलीट इवेंट। कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखो डिस्कवर इवेंट में हम जाएंगे ना, तो यहाँ पर जो लोग इवेंट करने वाले हैं, देखो यहाँ पर कितनी सारी इवेंट आपको दिख भी रही हैं। ठीक है, और अगर आपको अपनी लोकेशन जैसे लखनऊ में ही देखना है कि यार लखनऊ में कौन कौन सी इवेंट्स होने वाली हैं अपकमिंग, तो यहाँ पर मैंने लखनऊ डाला, और आप यहाँ पर लखनऊ की इवेंट्स सारी देख सकते हो, है ना। जैसे ये देखो 7th ऑल इंडिया मेडिकल एंड डेंटल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशन एंड सत्य मंदिर है ना। तो यहाँ पर आप तरह तरह की इवेंट्स लोगों ने बनाई है, इनको आप देख सकते हो। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ये देखो वन गोइंग लिखा है, कितने लोग जा रहे हैं। इंटरेस्टेड और गोइंग में अंतर है, जैसे यहाँ पर 589 पीपल आर इंटरेस्टेड बट 19 आर गोइंग, तो यानी कि इतने लोग इंटरेस्टेड। अच्छा, आप इनको टारगेट करके ऐड भी दिखा सकते हो, जैसे इंटरेस्टेड वाले लोगों को आप ऐड दिखा सकते हो, अगर टिकट वगैरह रखी है तो वो टिकट भी वहां से आपकी बाई कर सकते हैं। बहुत सारा फीचर है, बस आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो, है ना, जैसे कि आपको शॉपिंग की देखनी है या हेल्दी लिविंग से रिलेटेड इवेंट्स को सर्च करना है, तो यहाँ पर आप फिल्टर भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, बर्थडे इवेंट नोटिफिकेशन एंड मच मोर, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं, तो आप एक बार जा करके इसको गो थ्रू करिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ को अंदर घुस घुस के बता पाना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, फिर यही चलता रहेगा जीवन भर, है ना। अब मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, अब आपका काम क्या है, जाओ देखो समझो। हालांकि मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, इतना ही बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं इवेंट का हो गया। नाउ एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास फीचर है पेज एक्सेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे पेज एक्सेस में हमने क्या कर रखा है, पीपल विद फेसबुक एक्सेस, और यहाँ पर हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग परमिशन दे रखी है। रवि करण है, ये हमारी बाकी प्रोफाइल्स हैं, सागर हैं, तो हमने क्या कर रखा है, अपने पेज का परमिशन दे रखा है। तो यहाँ पर कैसे देना है, ऐड न्यू पर क्लिक करिए, नेक्स्ट पर क्लिक करिए, और यहाँ पर आप अपने जिनको भी आपको पेज में ऐड करना है उनकी ईमेल आईडी डाल दीजिए, और आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बट यहाँ पर फ्रेंड में आपके वो पहले से ऐड होने चाहिए, ये मैंडेटरी है ना, आपकी फ्रेंड लिस्ट में वो पहले से ऐड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। देखिए उसके बाद में है पीपल विद टास्क एक्सेस, अगर आप टास्क वाइज किसी को एक्सेस देना चाहते हो, है ना, कि क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ डाल के, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये फ्रेंड लिस्ट में ही नहीं है बता रहा, तो जो फ्रेंड लिस्ट में आपका होगा ना उसी का आएगा। अब इस पर्टिकुलर फेसबुक पे पता नहीं कौन कौन फ्रेंड होगा, मुझे तो देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मैंने अनुज सर्च करा, तो हमारे नाम से रिलेटेड जितने भी, अनुज नाम से रिलेटेड जितने भी लोग हमारे पेज में कनेक्टेड है ना, वो सब आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर किसी को हमें देना है, जैसे ये अनुज निषाद है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट का एक्सेस देना है, यानी कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड ब्ला ब्ला। उसके बाद में मैसेज एंड कॉल्स, कम्युनिटी एक्टिविटीज़, एड्स, इनसाइट, जो जो ऑप्शन आपको देना है वो यहां से इनेबल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था या नहीं बताया है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास मिनिमम 2 फेसबुक की प्रोफाइल होनी चाहिए, मिनिमम 2, और ज़्यादा से ज़्यादा तो जितनी बना लो, प्रोफाइल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक प्रोफाइल बनाओगे और दूसरी प्रोफाइल बनाने जाओगे तो आपकी प्रोफाइल हो जाएगी बैन, है ना। तो बहुत ध्यान से बनाना है। कैसे बनाओगे, आपने पहली प्रोफाइल बनाई दूसरे लैपटॉप से और दूसरे नेटवर्क से, दूसरे लैपटॉप से, और या फिर आफ्टर 30 डेज 15 डेज आप ट्राई करना, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में चेंज कर लेना, सेम नहीं डालना, और आपका प्रोफाइल बन जाएगा। हमारे पास देखो कितना 3-4 प्रोफाइल है ना, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है,
तो आप भी बना सकते हो, बस इसी तरीके से आपको बनाना है और धीरे धीरे वार्म करना। जैसे मैंने बताया ना, अपना डिटेल डालिए, फिर एक पोस्ट डाल दिया, हफ्ते भर बाद फिर दूसरी पोस्ट डाल दिया, और इस तरीके से आपको पोस्टिंग करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर और भी है आपके पास कम्युनिटी मैनेजर, आप देख सकते हो कम्युनिटी मैनेजर आपके कौन कौन से हैं, तो ये हैं, ठीक है। आप इनको और लोगों को इन्वाइट करना है तो आप यहाँ से इन्वाइट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो, हर बिजनेस में आप मल्टीपल पेजेस को ऐड कर सकते हो। अभी हम बिजनेस मैनेजर की बात करेंगे ना, तब ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ से हम इतना समझ पाए हैं कि हम अपने पेज में अगर किसी पर्सन को या किसी बिजनेस को एक्सेस देना चाहें तो हम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो थोड़ा ज़रूरत है बताने की मुझे बिजनेस मैनेजर के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा डॉक में ही बता दूंगा क्योंकि स्क्रीन सारे लोगों को शायद विजिबल ना हो। हम समझने जा रहे हैं ना बिजनेस मैनेजर को। ये बिजनेस मैनेजर आपके फेसबुक में दिया जाता है, और इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ये दिया जाता है और क्या इसका यूज़ है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको समझने से पहले हम एक बात समझते हैं, ठीक है। हम समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंपनी कैसे चलती है, बताइए हमें। देखिए, हर कंपनी में ना कुछ लोग होते हैं ना, कुछ क्या होते हैं, लोग होते हैं। वो इम्प्लॉई होंगे, वो मैनेजर्स होंगे, वो एडमिन होंगे, कुछ उसमें कुछ कस्टमर होंगे, ऐसे करके ना बहुत सारे लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उसकी हर कंपनी की कोई ना कोई क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। एसेट्स लाइक टेबल है, फर्नीचर है, सोफा है, बहुत सारा चीज़ होता है ना, तो ये सारी कहलाती हैं एसेट्स, है ना। और वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, एंड एचआर डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। इसी तरीके से कंपनी काम करती है। कुल मिलाकर के हम ये समझे, ये होती है एक हायरार्की। हर ऑर्गेनाइजेशन एक हायरार्की में काम करती है ना। बिना हायरार्की की कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, कोई परिवार, कोई देश, कोई समाज कुछ चल नहीं सकता है। हायरार्की नहीं होगी तो वो चल नहीं सकता है। हायरार्की होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। कौन है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब हमारे पास बहुत सारी कंपनियां आती हैं कि भैया आप मेरा फेसबुक पर एड चला दो। सबके अपने अलग अलग पेज होंगे ना, और सबके अलग अलग बिजनेस मैनेजर भी होंगे। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, केवल हम अपनी की बात करते हैं प्री ट्यूटोरियल्स की, तो प्री ट्यूटोरियल्स का एक फेसबुक पर पेज होगा। अभी हम फेसबुक के कॉन्सेप्ट में आ गए। प्री ट्यूटोरियल्स का एक फेसबुक पर पेज होगा, है ही, और प्री ट्यूटोरियल्स का एक अपना क्या होगा, बिजनेस मैनेजर होगा। क्या होगा? बिजनेस मैनेजर फेसबुक में होगा। यहां पर हम क्या करेंगे, अपनी फेसबुक से रिलेटेड पीपल को, असेट को, डिपार्टमेंट को मैनेज करेंगे फेसबुक से रिलेटेड। जैसे हमारा जो फेसबुक का पेज है ना, इस पेज में या हमारे बिजनेस मैनेजर में फेसबुक का जो पेज है या हमारा जो बिजनेस है, इसको मैनेज करने के लिए 4-5 लोग हैं। अलग अलग सबका काम है, कोई पोस्ट बनाता है, कोई पोस्ट करता है, कोई कमेंट चेक करता है, कोई ग्रुप्स को मैनेज करता है। सबके अपने अपने टास्क होंगे, कोई काम होंगे, और सबको अलग अलग अधिकार दिया गया होगा कि आपको ये काम करना है। सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ना हमारे पास बहुत सारी एसेट्स भी होती हैं। एसेट्स क्या होंगी, जैसे फेसबुक में इंस्टाग्राम का पेज हो गया, वो क्या है, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, वो एसेट है। व्हाट्सएप अकाउंट हो गया, ये एसेट है, ठीक है। हमारा वेबसाइट में आने वाला जो डेटा है, हमारी ऑडियंस है, ये सब ऐसे केस में क्या हो गया, एसेट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके ना हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी। यहां तक क्लियर सबको? अब क्योंकि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आएंगे, और उन क्लाइंट का भी अपना फेसबुक का पेज होगा और अपना बिजनेस मैनेजर भी होगा, नहीं होगा, उनका भी तो होगा अपना। अब वो कहते हैं कि यार मेरा पेज और मेरा एड और मेरा बिजनेस मैनेजर आप मैनेज करो पूरा, एक एक चीज होता है ना कंपनियों में ऐसे।
तो हम क्या करेंगे, उस उनके बिजनेस मैनेजर का भी एक्सेस अपने बिजनेस मैनेजर में ले लेंगे। यानी किसी एक बिजनेस मैनेजर के अंदर किसी दूसरे बिजनेस मैनेजर को मैनेज करा जा सकता है, पार्टनरशिप भी करी जा सकती है ना, पार्टनरशिप भी करी जा सकती है कि भाई हमारा बिजनेस है, कोई एक हमारे मित्र का बिजनेस है और दोनों लोगों ने आपस में पार्टनरशिप करी, तो इसमें हम पार्टनर्स को भी ऐड कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब एक ही दो कंपनी की तो बात नहीं है, हमारे पास जो आएंगे वो कितने सारे लोग आएंगे, शायद 100, 200, 500, 1000 लोग भी आ जाएं। सबके अपने अपने पेज होंगे, सबके अपने अपने बिजनेस मैनेजर होंगे और सबकी अपनी अपनी एसेट्स होंगी। तो आप सोचो कि इन सब चीज़ों को अगर एक जगह से मैनेज किया जाए, तो उसके लिए जब तक ये हायरार्की और सारी चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं होंगी, तब तक क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? नहीं संभव है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार दोबारा एक्सप्लोर करके समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या पॉसिबिलिटी है, लाइक एक उदाहरण लेते हैं हम फिजिक्स वाला का। फिजिक्स वाला एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इनके अलग अलग सिटीज में अलग अलग सेंटर्स हैं। मान लेते हैं कि हर सेंटर का इनका अलग पेज है, जैसे लखनऊ में इनका एक अलग पेज होगा, कोटा में इनका अलग पेज होगा, है ना, बिहार में इनका एक अलग पेज होगा, हर सिटी में इनका अलग अलग फेसबुक का पेज होगा, PW लखनऊ, PW बाराबंकी, PW कानपुर, PW कोटा, ऐसे करके अलग अलग पेजेस बने होंगे। और हर पेज का हो सकता है अलग अलग बिजनेस मैनेजर भी हो, मे भी ऐसा हो सकता है। तो वो क्या करेंगे कि उनकी अगर 10 ब्रांच हैं, समझना हमारी बात, अगर उनके पास 10 ब्रांच हैं और एक है हेड डिपार्टमेंट, एक है मान लो दिल्ली में एक हेड डिपार्टमेंट है जहां पर मेन पेज और मेन बिजनेस मैनेजर है, तो वो क्या करे रहे होंगे, जरा सोचना, वो क्या करे रहे होंगे, जितने भी उनके पेजेस बने हैं उन सारे पेज को हेड ऑफ डिपार्टमेंट में ऐड किया होगा उन्होंने, क्योंकि वहां से वो देख पाएंगे कि कौन कौन सा पेज हमारी कौन कौन सी सिटी में बना हुआ है। अच्छा, उन पेजेस को कौन मैनेज कर रहा है ये भी वो वहां से देख सकते हैं और वहां से कंट्रोल भी कर सकते हैं, है ना, कंट्रोल इन द सेंस कि अगर हमें किसी को हटाना है, किसी को ऐड करना है, तो वो भी कर सकते हैं, टास्क भी दे सकते हैं। जैसे हमने एक केस लिया कि यार वो दिल्ली में हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बैठ करके अपने बिजनेस मैनेजर में क्या किया कि लखनऊ में 2 कंपनियां उन्होंने IT की हायर कर ली और दोनों कंपनियों को अलग अलग काम दे दिया कि भैया तुम हमारा ऐड देखोगे और तुम हमारा मैनेजमेंट करोगे अलग अलग। तो वो क्या करेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे अपने बिजनेस मैनेजर में और दोनों को अलग अलग परमिशंस दे देंगे, अलग अलग टास्क एक्सेस या परमिशंस दे देंगे। तो जितना पॉसिबिलिटी तुम कॉम्प्लिकेशंस की सोच सकते हो वो सब यहां पर करना संभव है, क्योंकि हमारे पास बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। अब मान लो कि 2-3 कंपनियां मिलकर के एक बिजनेस में काम करना चाहती हैं, वो भी कर सकती हैं। ऐसे जितने मॉडल आप देखते हो बड़े लेवल पर जो होते होंगे वो सब यहां पर इजिली मैनेज किया जाता है और किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास बिजनेस मैनेजर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक पेज को किसी एक बिजनेस मैनेजर में ही ऐड किया जा सकता है एज अ प्राइमरी अकाउंट। एक पेज को दूसरे बिजनेस मैनेजर में ऐड नहीं किया जा सकता है, बट परमिशन दी जा सकती है, कंट्रोल्स दिए जा सकते हैं, लेकिन पेज को ऐड नहीं किया जा सकता है। ऐड एक ही लोग कर सकते हैं, है ना भाई, सीधी सी बात है ना, हर चीज का ऑनर तो एक ही होगा ना। जैसे मान लो मेरा ये लैपटॉप है तो इसका ऑनर तो मैं ही हूं ना, हाँ मैंने आपको शेयर कर दिया कि आप भाई यूज कर लो, वो अलग की चीज है, बट ऑनर तो एक ही रहेगा ना। तो आप ऐसे समझो कि एक पेज का ऑनर एक ही बिजनेस मैनेजर हो सकता है, सीधी सी बात, ठीक है। तो जैसे हमारा ये पेज है तो इस पेज का ऑनर हमारा ये बिजनेस अकाउंट है, दैट्स इट, खत्म बात। अब ये बिजनेस मैनेजर जब तक अपने यहां से इस पेज को रिमूव नहीं करेगा तब तक इस बिजनेस मैनेजर को कहीं दूसरे बिजनेस मैनेजर में ऐड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और यही केस मेरे साथ हुआ है, ये बिजनेस मैनेजर मेरा खो चुका है। खो चुका कैसे है, मेरे जो अकाउंट लॉक हुआ था ना उसी अकाउंट में बिजनेस मैनेजर बना था, अकाउंट चला गया तो बिजनेस मैनेजर चला गया, और बिजनेस मैनेजर चला गया तो अब ये पेज मेरा है तो, लेकिन इस पेज को क्योंकि हमने एक्सेस ले रखा था तो हम यूज तो कर पा रहे हैं, लेकिन ऑनरशिप मेरे साथ चली गई, ऑनरशिप मेरी इसी, क्योंकि ऑनरशिप इस बिजनेस मैनेजर के पास थी और ये बिजनेस मैनेजर मेरा चला गया, ठीक है। तो आप ये जो चीजें हमने आपको कल बताई थी उनको ध्यान रख करके काम करेंगे,
ताकि आपके साथ ऐसा ना हो भविष्य में, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा पेज एक्सेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए क्योंकि ये हमें यूज करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हाँ पेज एक्सेस का ऑप्शन हम देख रहे थे। तो पेज एक्सेस में हमें ये सारे ऑप्शंस दिखे थे, और लेफ्ट साइड में आएंगे तो आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन दिखेंगे, प्रेफरेंसेस का, रिएक्शन प्रेफरेंस, नोटिफिकेशन की सेटिंग लगा सकते हो, है ना, कि पेज में जो नोटिफिकेशन आएंगे वो कहाँ कहाँ पर जाएंगे, किस किस तरह के आपको नोटिफिकेशन चाहिए, एक्सेसिबिलिटी के आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, मीडिया है, डार्क मोड लगाना है, पेज की डिटेल्स अगर आपको चेंज करनी है लाइक पेज का नाम चेंज करना है, है ना, तो आप यहाँ पर एडिट वगैरह पर क्लिक करके आप बाकी चीज़ें, ये आप मेन पेज से भी कर सकते हो, तो ये सारे काम आप कर सकते हो, है ना। ये बेसिकली पेज की सेटिंग्स है, ठीक है। यहाँ पर वीडियो सेटिंग्स में वीडियो की क्वालिटी, डिफॉल्ट वीडियो क्वालिटी क्या रखनी है, है ना, HD हमने डाल दिया, तो यहाँ पर आप ऑटो प्ले वीडियो आपको कैसे दिखानी है, ऑन रखना है, ऑफ रखना है, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं, जब तक आप वीडियो प्ले नहीं करोगे आपकी वीडियो प्ले नहीं होगी, है ना। ऐसा करके यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। तो पेज डिटेल हो गया, इसी तरीके से आप पोस्ट का देख सकते हैं, हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू मैसेजिंग करके, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा एक बार जा करके देख लेना, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये पेज सेटअप कई बार ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको पेज का कभी नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से पेज का नाम चेंज कर सकते हैं। पेज एक्सेस का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है, जो अभी हमने आपको दिखाया था ना, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिया गया है। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री आप पूरी निकाल सकते हो, आपने किसी को दिया ना तो यहाँ पर आप देखो कब कंट्रोल दिया, किसने क्या ऐड किया ना, एक एक चीज़ हर यूज़र की एक्टिविटी आप यहाँ पर देख सकते हो, मैनेजमेंट की एक्टिविटी भी देख सकते हो, और क्या कर रहा, किसने किसको डिलीट किया, ऐड किया, सारा रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ये आप पेज स्टेटस, है ना, पेज रिकमेंडेशन, एडवांस मैसेजिंग, इन सारी चीज़ों को आप जा करके थोड़ा देखना, क्योंकि बहुत सारा कुछ है बताने को, है ना, फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, तो ये सारी सेटिंग्स आप एक बार जाकर के देखना। यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लॉकिंग का फीचर मिलेगा, ऐड पेमेंट, पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, लिंक्ड अकाउंट, एक्टिविटी लॉग, है ना, एक्टिविटी लॉग में आपको पूरा क्या क्या एक्टिविटी आपके पेज में हुई ना, वीडियो के कौन कौन सी मैंने देखी, कौन कौन सी सर्च करी, क्या क्या काम किया, एक एक एक्टिविटी लॉग यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। वीडियो यू हैव सर्च्ड फॉर, है ना, तो यहाँ पर नथिंग है, बट अगर आपने कोई वीडियो सर्च करी होती तो यहाँ पर आ जाता, कौन कौन सी वीडियो मैंने देख रखी है, क्या मैंने सर्च किया है, ग्रुप क्या सर्च किया है, कमेंट क्या किया है, ये सब कुछ हम यहाँ से, लॉग इन इन्फॉर्मेशन, और मतलब बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है, समुंदर है इसमें, आप एक एक चीज़ को पता लगाया जा सकता है। अगर आपने किसी पर्सन को ब्लॉक किया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है परमिशन का, लिंक्ड अकाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक करेंगे, सारे लोगों का जो फेसबुक का पेज है वहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम को ज़रूर से ज़रूर लिंक कर लें। हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपके में कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर लिंक हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पेज से लिंक कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक करना है इसके साथ, क्योंकि जब हम ऐड चलाएंगे ना तो ऐड चलाने के टाइम पर ना आपसे पूछा जाएगा ना कि कौन से व्हाट्सएप अकाउंट और कौन से पेज पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको ऐड दिखानी है, तो ये कनेक्ट होना जरूरी है सभी का। ऐप्स एंड वेबसाइट का हमें अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसको देखेंगे। ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, आप यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें देख सकते हो, जो जो एक्टिविटीज़ आपने करी होंगी, ठीक है, और बहुत कुछ है, टर्म्स एंड सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसीज़ की हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना है, एक्टिविटी लॉग देखना है, ठीक है, तो ये सब जा करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हमारे लिए ज़रूरत इसमें क्या क्या चीज़ों की है, पेज डिटेल की है, पेज सेटअप करने की है, और उसके बाद में लिंक्ड अकाउंट की ज़रूरत है, और एक्सेस कंट्रोल की ज़रूरत है। इतने फीचर्स आपको तो आने ही आने चाहिए, आपको पता लेकिन सब होना चाहिए, ये दुकान आप ही की है, है ना, ठीक है। अब हम एक स्टेप और बैक आते हैं, सेटिंग्स और प्राइवेसी में हम लोग थे ना, दोबारा से वहाँ पर आ जाते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के मेन वाले पेज पर। ये जितना स्टेप में आगे गया था उतना हमें पीछे आना पड़ेगा, है ना, तो ये हमारा अगेन प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ गया। तो अभी हमने देखा था कौन सा वाला, पेज एक्सेस का देख लिया, और यहाँ पर AB टेस्ट हमने बताया था ना, ये AB टेस्टिंग आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट AB टेस्ट पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, वर्जन A, वर्जन 2, जो मैंने आपको कल बताया था ना, AB टेस्टिंग हर जगह आपको दिखने मिलेगी,
तो आप यहाँ पर दो वीडियो बनाइए और दोनों वीडियो को डाल करके क्या करिए, दो तीन चार वीडियो को कंपेयर करना है कौन सी बेस्ट बनी है, तो आप यहाँ से ए बी टेस्टिंग कर लो, ठीक है। तो ये ए बी टेस्टिंग बहुत पावरफुल चीज़ होती है भैया। उसके बाद मॉडरेट असिस्ट का एक ऑप्शन है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, असाइन एक्शन मॉडरेशन, है ना, आप कई लोगों को एक्सेस दे सकते हो बिना पेज में ऐड किए हुए, मॉडरेटर बना सकते हो कि वो आपके पेज में आने वाले कमेंट को मैनेज कर सकते हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ें। तो हमने क्या किया, जैसे क्लास में मॉनिटर बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आप किसी को बना सकते हो। उसके बाद में स्टार्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो भी स्टार्स आपको मिलेंगे, ये सारे कुछ एक फीचर आपके में शायद नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि वो अकाउंट जैसे जैसे आपका ग्रो करेगा उस हिसाब से दिखेगा, तो ये कल मैंने आपको बता ही दिया था स्टार वाला। उसके बाद स्टार हो गया लिंक्ड अकाउंट, ये लिंक्ड अकाउंट भी मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, वो काम सेटिंग्स में जाने के अलावा आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज़ मिल जाएगी, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में हम चले भी गए थे, है ना। उसके बाद फैन इंगेजमेंट है ना, यहाँ पर अपने फैन की इंगेजमेंट, टॉप फैन, राइजिंग फैन, ये सब ऑन कर दोगे ना, तो क्या होता है कि जो लोग आपके पेज पर ज़्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं ना, तो उनको ऑटोमेटिक फेसबुक क्या करता है, बैज दे देता है ना, कि आप इस पेज के टॉप फैन हो या राइजिंग फैन हो, है ना। तो ये सब थोड़ा ज़रूरी रहता है, आप अपने करें पेज वगैरह में ऑन करके रखें इसको। पेज रिकमेंडेशन का ऑप्शन है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पेज को किन किन लोगों ने रेकमेंड किया है, ठीक है। तो अगर किसी ने रेकमेंड किया होगा तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री में दिख जाएगा पेज रिकमेंडेशन वाली। यहाँ पर इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ए बी टेस्टिंग और लिंक्ड अकाउंट, इवेंट्स, पेज एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर हमें मेटा बिजनेस सूट मिलता है, अगर हमें इनबॉक्स में जाना है जहाँ पर कल हम गए थे, वो डायरेक्टली आप यहाँ से भी जा सकते हो। इस पर आप क्लिक करिए, अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आइए, इनबॉक्स पर क्लिक करिए, और यहाँ पर आप कल जैसे हमने इनबॉक्स ओपन करी थी उसी तरीके से यहाँ पर हम इनबॉक्स में आ जाएंगे, ठीक है। सी मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लानर का ऑप्शन मिलेगा, आप देख चुके हो। बिजनेस ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ना फेसबुक में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, आपको पता नहीं है, बहुत सारे ऐप। अपॉइंटमेंट अगर आपको बुक करवानी है, रिजर्वेशन कराना है, ई कॉमर्स से रिलेटेड, क्रिएटिव से रिलेटेड, जैसे हमारे मोबाइल में कैनवा को भी आप फेसबुक से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ना बहुत सारे बिजनेस एप्लीकेशन हैं, इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप इनके फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे बाकी जगह हमने किया, चैट जीपीटी में किया था ना, क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल किए थे, बहुत सारे प्लगइन होते हैं, इंस्टॉल करके अपने फीचर को ऐड ऑन कर सकते हो। सेम उसी तरीके से यहाँ पर तरह तरह के ऐप्स दिए गए हैं जिनको आप फेसबुक के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार इसको जाके देखना भाई, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, बहुत सारे फीचर वाले होते हैं, बहुत ज़रूरी ज़रूरी ऐप होते हैं, वो आपके पास हैं तो अच्छी बात है। लीड सेंटर मैंने आपको कल बता ही दिया था, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, यहाँ पर हमने मेटा बिजनेस सूट में ये सारी चीज़ें कल देख ली थी, है ना, और ये मेटा बिजनेस सूट का ही सारा कुछ है। उसके बाद पेज सेटअप का ऑप्शन है और बिजनेस सपोर्ट होम का ऑप्शन है, जहाँ पर आप सपोर्ट वगैरह ले सकते हैं अगर मिलता है तो, है ना, क्योंकि कभी इनका सपोर्ट मिलता नहीं है। तो आपका जो भी पेज है उसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड को एक्सेस करना आपको आना चाहिए, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, किसका क्या इस्तेमाल है, आप उसको जाइए और ध्यान से पढ़िए। तो चलो अब हम आते हैं अपने बिजनेस मैनेजर वाले पार्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम facebook.com लॉगिन कर लेंगे, और facebook.com लॉगिन करने के बाद हम आएंगे, जो भी हमने पेज बनाया होगा ना, तो आपको यहाँ पर पेज का ऑप्शन दिया ही गया है, यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप मेटा बिजनेस सूट पर जाते हैं, तो यहाँ पर आप जब पेज बनाओगे ना, तो पेज बनाने के साथ साथ ऑटोमेटिक आपका बिजनेस पोर्टफोलियो, जो पहले बिजनेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था, ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है, बन गया ना। देखो यहाँ पर जो हमने पेज, जितने पेजेस बनाओगे ना, उतने अकाउंट आपके बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर कितने हैं, पहले ये देखो, बिजनेस पोर्टफोलियो में यहाँ पर एक ये बिजनेस है, एक ये बिजनेस है, एक ये बिजनेस है, एक ये बिजनेस है, टोटल चार बिजनेसेस हैं, ठीक है। जहाँ सेटिंग का बटन है, इसका मतलब वो बिजनेस है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी एसेट ऐड है, तो यहाँ पर प्री ट्यूटोरियल नाम का जो हमने कल पेज बनाया था ना, उसके अंदर एक बिजनेस एसेट, ये कल वाला नहीं दूसरा है, उसके अंदर एक बिजनेस एसेट है, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर एक पेज है एसवी फिजिक्स के नाम से, इसमें चार बिजनेस एसेट पड़ी हुई हैं, एक ये बिजनेस है इसमें एक एसेट पड़ी हुई है, एक ये है इसमें एक एसेट पड़ी है। तो जब आप पेज बनाते हैं, तो पेज बनाने के साथ साथ आपका ऑटोमेटिक बिजनेस पोर्टफोलियो कई बार क्रिएट हो जाता है और कई बार नहीं भी हो शायद।
अगर नहीं हो तो यहाँ पर आपको क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलता है सबसे नीचे। आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम, ईमेल आईडी और ये सब डाल करके क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए और आपका बिजनेस मैनेजर बन जाता है। ठीक, बनने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आप ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स का जो ऑप्शन दिखता है ना, जो चार हैं इसमें से कोई भी बिजनेस मैनेजर अगर आपको ओपन करना है तो आप ओपन करके देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एससी फिजिक्स वाला बिजनेस मैनेजर देखना है तो मैंने क्या करा, इसकी सेटिंग्स बटन पर क्लिक करा और सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करते ही आपका जो बिजनेस मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ओटीपी जाता है, टू स्टेप वेरिफिकेशन क्योंकि मैंने ऑन करा था इसलिए ओटीपी जाएगा हर बार, है ना। और टू स्टेप वेरिफिकेशन वहां तो ऑन करना ही करना है, बिजनेस मैनेजर में भी टू स्टेप वेरिफिकेशन हमें ऑन करना मैंडेटरी है, पहले दिन का पार्ट है। चलो दूसरा बिजनेस मैनेजर खोलते हैं, देखेंगे इसमें ओटीपी मांगेगा कि नहीं मांगेगा। इसमें नहीं मांगा क्योंकि इसमें हम टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लगाए थे। तो बेसिकली ये जो पार्ट है हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बिजनेस पोर्टफोलियो। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको ये बिजनेस, अब समझना बिजनेस माने एक कंपनी, एक कंपनी के अंदर क्या क्या है, यूजर्स हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैं, कुछ डेटा सोर्सेस हैं, कोई रिक्वेस्ट करेगा, ब्रांड सेफ्टी है ना, इंटीग्रेशन, बिलिंग पेमेंट, मेटा वेरीफाइड, नया पेज बनाना, और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। एक यहाँ पर आपको बिजनेस मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप पुराने इंटरफेस पर भी जा सकते हैं। दो तरह के इंटरफेस हैं, ये हमारा लेटेस्ट वाला इंटरफेस है, यहाँ पर भी आप वो सारे काम कर सकते हैं, और ये आपका है पुराना वाला इंटरफेस। पुराना इन द सेंस पहले ये चलता था, अभी थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, दोनों में चीज़ें लगभग लगभग सेम है। यहाँ पर भी देखो क्या है, यूजर, अकाउंट, डेटा सोर्स, सब कुछ है ना, और यहाँ पर भी देखो सब कुछ है, बस डिफरेंस क्या है इंटरफेस का। ठीक है ना, इंटरफेस का डिफरेंस, यहाँ पर अलग तरीके से दिख रहा है, यहाँ पर अलग तरीके से दिख रहा है, लेकिन है चीजें लगभग लगभग सेम। ठीक है, तो अभी हम नया वाला सीखते हैं क्योंकि ये बिजनेस मैनेजर पता नहीं कितने दिन में ये लोग हटा भी दे, हटाते रहते हैं, तो नया वाले पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, हर बार हम पुराने वाले पे काम कर रहे थे, जिसको पुराना वाला समझना है तो पिछली वीडियो जाके देख लेना। पहली बार हम लोग नए वाले इस पे इंटरफेस पे काम करने जा रहे हैं, जो नया वाला है ना। अब देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास यूजर्स का, यूजर में जाएंगे तो यूजर होते हैं तीन तरह के, एकदम रट्टा होना चाहिए सबको जवान पे। मैं पूछूं यूजर कितने टाइप के होते हैं आप बताओगे तुरंत? ठीक है, सारे लोग पीपल, पार्टनर एंड सिस्टम यूजर। पीपल का मतलब यहाँ पर आप लोगों को ऐड कर सकते हो, वो लोग कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है वो आप ही हो सकता कोई दूसरा का फेसबुक अकाउंट हो, और इनको ऐड करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनवाइट पीपल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनका ईमेल एड्रेस डालेंगे, असाइन एक्सेस पर क्लिक करेंगे और एक्सेस देंगे। चलो एक ही काम हम करते जाते हैं थोड़ा, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले आते हैं पीपल में, पीपल में यहाँ पर देखो दो पीपल ऑलरेडी एडेड हैं। ठीक है, इनकी ईमेल आईडी और इनका यूजर नेम यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर हम इनवाइट पीपल पर क्लिक करेंगे और सामने वाले पीपल का हमें यहाँ पर ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी हमने डाली, और जैसे ही ईमेल आईडी डालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं कि यार ये जो पर्सन है जिसकी ईमेल आईडी आपने डाली है, इसको आप ना किस तरह की, अब ये मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा क्योंकि इसमें यूज होने वाली हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनल सेटिंग, आप टेम्परेरी एक्सेस देना चाहते हो या फिर आप परमानेंट एक्सेस देना चाहते हो? टेम्परेरी एक्सेस देना आप ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हो और यहाँ पर डेट और टाइम डाल दोगे, ऑटोमेटिक उसका एक्सेस हट जाएगा उस डेट और टाइम में। ठीक, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें थोड़े टाइम के लिए किसी को कोई एक्सेस देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। मेटा स्पार्क एक्सेस, स्पार्क एक्सेस में आप एडवांस एक्सेस दे सकते हो जिसमें अलाउ दिस पर्सन टू एक्सेस AR इफेक्ट, ऑगमेंटेड रियलिटी इसको बोलते हैं। क्या होता है ऑगमेंटेड रियलिटी? ऑगमेंटेड रियलिटी वर्ड सुना है आप लोगों ने, यूज भी किया होगा? ठीक है, आपने यूज भी किया होगा, जैसे आजकल शॉपिंग मॉल वगैरह में जाओ ना तो एक ऐसे लगाने के लिए देते हैं ना जिसमें बैठो तो गेम वगैरह किया है आप लोगों ने, गेम खिलाते हैं, लगेगा एकदम रियल में हो रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब आपको लगेगा सब सच है लेकिन है क्या फेक, है ना?
अभी ये मेटा ना बहुत नई नई चीज़ें लाने वाला है, खासकर आपने देखा होगा मेटा जो बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था ना, क्योंकि वो जो आपका इथेरियम टेक्नोलॉजी है ना उसका इस्तेमाल करके, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहा है, एक मेटावर्स बना रहा है। व्हाट इज़ कॉल्ड मेटावर्स, मेटावर्स जैसे आपका ये रियल वर्ल्ड है ना, असली दुनिया, इसी तरीके की एक नकली दुनिया बनाई जा रही है, लॉन्च हो जाएगी अभी 4-5 साल के अंदर हो जाएगी नकली दुनिया। उस नकली दुनिया में आप सब कुछ कर सकते हो जो इस असली दुनिया में कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। आप उसका वीडियो देखना, उसमें लाइव जो करके दिखाया है ना, आपको दिमाग खुल जाएगा। करीब आधे घंटे की वीडियो है, ठीक है। तो ऐसा करके इनको बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, अलाउ द पर्सन टू एक्सेस AR इफेक्ट इन मेटा स्पार्क ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो। अभी ये नया फीचर है तो मैं इसको यूज भी नहीं किया हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, अभी तो आप एक्सप्लोर करना होगा तो जाकर के इसको देख लेना, ठीक है। परमानेंट एक्सेस देना है तो आप जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इन दोनों ऑप्शन में कोई चीज आप नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद में आपसे पास पूछ रहा है कि आपको पार्शियल एक्सेस देना है या फिर आपको अपने हिसाब से फुल एक्सेस देना है या ऐप का एक्सेस देना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास, व्यू पीपल विद फुल कंट्रोल एवरीवन एडेड द, यहाँ पर आपको फीचर दिए गए क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है, पेज को मैनेज कर सकता है, इंस्टाग्राम अकाउंट को मैनेज कर सकता है, चीज़ें देख सकता है ना, एसेट को मैनेज कर सकता है। अगर आप किसी ऐप वगैरह को भी चाहते हो कि इसमें जो आपने ऐप्स ऐड करे हैं, अभी हम बहुत सारे इसमें ऐप भी ऐड करेंगे, उनको भी मैनेज कर सके, तो यहाँ पर ऐप इंटीग्रेशन भी आप ऑन कर सकते हो। अगर आप फुल एक्सेस देना चाहते हो, फुल का मतलब फुल, मतलब एक एक चीज जो आप कर रहे हो वो भी यहाँ पर कर पाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एडवांस ऑप्शन में आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि फुल फाइनेंस का भी अगर आपको देना, तो यहाँ पर आप जो भी परमिशन देना चाहते हो यहाँ पर सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी एसेट असाइन करनी है। अब देखो ये अदर पर्सन है और उसको हम तरह तरह की एसेट असाइन करेंगे। अब एसेट फेसबुक के केस में क्या होता है, तो फेसबुक में फेसबुक पेज एक एसेट माना जाता है, पेज क्या है, एसेट है। एड अकाउंट एक एसेट होता है, अगर आपके पास पेजेस कई सारे हो सकते हैं ना, तो वो सारे पेजेस आपके क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे। एड अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, एप्स हैं, या जितनी चीजें इस तरह की हैं वो सारी क्या कहलाएंगी, एसेट। तो करें कि यार ये जो पर्सन जिसको आप ऐड करना चाह रहे हो ना, इसको कौन कौन सी एसेट का परमिशन आप देना चाहते हो, यहाँ पर आप वो सारे पेज क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। ये देखो ऐप है, ये देखो ऐप है, ये ऐड अकाउंट है, ये ऐड अकाउंट है ना। तो जिन जिन ऐड अकाउंट का परमिशन दोगे, उन उन ऐड अकाउंट को ये यूजर क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। अभी हम यूजर को एक्सेस दे रहे हैं, बिजनेस को नहीं दे रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। और ये बात आपको आज समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन देखना है, थोड़ा परत हट रही हमारी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूजर को, किसी यूजर को क्या कर दिया है, एक्सेस दे दिया। कंफर्म सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसमें भी आपको ऑप्शन आता है भैया, कितना सारा ऑप्शन आता है ना, कि ये जो आपने ऐड अकाउंट दिया है, इस ऐड अकाउंट के अंदर वो क्या कर सकता है, ऐड को क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, रिपोर्ट देख सकता है, रिपोर्ट को देख सकता है, डिलीट कर सकता है। तो आपको जो जो ऑप्शन देने, फुल कंट्रोल देना आप फुल कंट्रोल दे दो। उसके बाद पार्शियल एक्सेस, कैंपेन को मैनेज कर सकता है, या यहाँ पर आप फिर आप फुल ही लास्ट वाला फुल ले लो तो सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये भी ले लिया तो आपका, अगर आपने पेज का एक्सेस भी दिया था ना, तो ये पेज का हमने दे दिया, लीड का एक्सेस, इनसाइट्स का एक्सेस, ऐड का एक्सेस, ये आपको देखना है कि आपको किस चीज़ का एक्सेस देना है। और यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको एक बार रिव्यू दिखाएगा कि आपने भैया इन इन चीज़ों को एक्सेस दिया है। सेंड इनविटेशन पर क्लिक करेंगे, उसके ईमेल पर और उसके फेसबुक अकाउंट में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर इनवाइटेड लिख के आ रहा है, वो एक्सेप्ट करेगा तो उसकी सारी परमिशन चली जाएंगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस दे सकते हैं। देखो यूजर इन द सेंस, जैसे मेरा बिजनेस मैनेजर है, तो मेरे बिजनेस मैनेजर में एक एडमिन है, यानी एक बिजनेस का मैनेजर है, और उस बिजनेस को मैनेज करने वाले बहुत सारे यूजर होंगे, एम्प्लॉयज होंगे ना। तो किसी ने क्या किया, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक्सेस दिया है, बिजनेस को एक्सेस नहीं दिया है, दैट इज कॉल्ड यूजर एक्सेस। ये है आपका पार्टनरशिप। जैसे पार्टनर में हम जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो,
डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर पीपल में भी आप ये काम कर सकते हो, पीपल में जो आपने पीपल ऐड किया है ना, इनको आप व्यू डिटेल कर सकते हो, एसएन को असाइन कर सकते हो, रीसेंड कर सकते हो, या ऐड है तो यहाँ पर आप इनकी इन्फॉर्मेशन देखना, रिमूव करना, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। और हर बिजनेस पोर्टफोलियो में आपको मिनिमम 2 यूज़र रखने हैं, अपने ही रख लो दोनों, नहीं अपना है तो अपने किसी फ्रेंड, भाई, माता पिता या जो भी पर्सन हो उसको आप ऐड करके रख लेना। बाय चांस अगर कोई दिक्कत हुई तो कम से कम आपका मान लो एक अकाउंट चला गया तो दूसरे अकाउंट से आप उस बिजनेस मैनेजर को एक्सेस, जैसे मैंने ले रखा था कुछ चीज़ें तो यूज कर पा रहा हूँ, नहीं लिया होता तो क्या कर पाता, मैं यूज नहीं कर पाता, वो भी चला जाता, ठीक है। तो ये करके रखेंगे ना। उसके बाद हम आते हैं पार्टनर्स में। पार्टनर में आएंगे तो यहाँ पर ना हम तरह तरह के पार्टनर्स को ऐड कर सकते हैं। पार्टनर में जब हम आएंगे तो यहाँ पर हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है, पढ़ो जरा क्या लिखा है, गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर असेट, मतलब किसी दूसरे पार्टनर को अपनी एसेट असाइन करना है। उसके बाद है आस्क अ पार्टनर टू शेयर देयर असेट, 2 ऑप्शन है, दूसरे का एक्सेस लेना है, क्या करना है आपको, एक्सेस लेना है या देना है। तो अगर आपको देना है तो क्या करोगे, गिव, और लेना है तो आस्क, ठीक है। तो अगर देना है तो इस पर क्लिक करोगे और पूछेगा सामने वाले के बिजनेस मैनेजर की आईडी यहां पर डालो और नेक्स्ट पर क्लिक करो, ठीक है। तो मैं एक और खोल लेता हूं ताकि मुझे बताना आपको थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा, किसी बिजनेस मैनेजर पर जाना है तो आप डायरेक्ट business.facebook.com से भी जा सकते हैं। तो मान लो हमारे पास एक बिजनेस मैनेजर पड़ा है ये, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर जब पाएंगे ना तो आप अपने बिजनेस मैनेजर की आईडी यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए दिख रहा है ना बिजनेस आईडी, ये आईडी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि भैया ये जो बिजनेस है दूसरा वाला बिजनेस, क्योंकि ये पार्टनरशिप करने जा रहे हैं ना, तो किन किन चीज़ों की पार्टनरशिप करनी है, आपकी जितनी एसेट होंगी वो सब यहाँ पर दिखेंगी, आपके पेजेस, आपके ऐड अकाउंट, आपके ऐप्स, आपके पिक्सल, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट, सब कुछ दिखेगा। आपको जिस पर्टिकुलर एक चीज़ का एक्सेस देना है, जैसे मुझे इस पर्टिकुलर पेज का एक्सेस देना है, और इस पर्टिकुलर पेज में भी किस चीज़ का एक्सेस देना है, बहुत डीप है। यहाँ पर एवरीथिंग मैंने दे दिया है ना, यहाँ पर लीड और रेवेन्यू का भी दे दिया। तो अगर आपको इसका एक्सेस देना है तो मैंने पार्टनरशिप किस चीज़ की करी है, इस पेज की पार्टनरशिप करी है, इसको हमने कर दिया सेव पर क्लिक। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, शेयरिंग असेट पर क्लिक कर रहा है, और डन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर हम आएंगे एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद पार्टनर्स में आएंगे और यहाँ पर देखो ये ऑप्शन आ गया, क्या इसी का हमने दिया था ना, गंगवार इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखो, हालांकि मुझे लगता है ये पहले से ऐड था, बट अगर नहीं ऐड होता तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, सॉल्यूशन इंजीनियरिंग टीम, ये एज अ पार्टनर ऐड है, ये देखो ट्रेंडिंग कार्ड को मैंने ऐड करा है ना, तो यहाँ पर ना ट्रेंडिंग कार्ड को एज अ पार्टनर असाइन करा है और ये वाला पेज हमने दिया है। तो यहाँ पर पेजेस में दिखेगा हमें, पेजेस में ये देखो आ गया, ठीक है। पेजेस के ऑप्शन में ट्रेंडिंग कार्ड का जो ऑप्शन है उसमें आपको ये ऑप्शन आ गया कि भैया ये वाला आपको किसी ने ऐड किया है, और यहाँ पर देखो लिखा है ऑन्ड बाई प्री ट्यूटोरियल, ये आपका नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आईडी, अगर बाई चांस हम इसको रिमूव करते हैं तो एक बार रिमूव करके आपको दिखा देते हैं। ये सब आप प्रैक्टिस करना, 2 अकाउंट बनाना अपने फ्रेंड का और ऐड करना, डिलीट करना, ये सब करके देख लेना। यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव करके एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे यहाँ पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर गायब हो गया, ठीक है। देखो हट गया ना लेफ्ट साइड से। अब कह रहा है कि भैया आप इसके आप क्या करो, रिक्वेस्ट डालो इनको, आप इसकी परमिशन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर रिक्वेस्ट डाल देंगे तो हमारे पास अगेन रिक्वेस्ट आ जाएगी, यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगी, अभी देखना दोबारा से ट्रेंडिंग कार्ड की, है ना, कि भैया अगर आप इनको चाहो तो परमिशन दे सकते हो। तो देखो यहाँ पर पार्टनर्स में पेज कुड नॉट बी डिलीटेड, अच्छा डिलीट करने का ऑप्शन था, कैंसिल रिक्वेस्ट, पेज कुड नॉट बी डिलीटेड, मैनेज रिक्वेस्ट,
कैंसिल रिक्वेस्ट। अच्छा अभी मेरे पास सारा कंट्रोल ही चला गया है, ठीक है, दोबारा से आप कर लेंगे ना वैसे ही, तो अब हमें परमिशन देनी है तो इस पर क्लिक करेंगे और बिजनेस मैनेजर की आईडी डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप प्री ट्यूटोरियल, इस बार मान लो हम एसएमएस गेटवे की दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर फुल कंट्रोल ऑन सर्विसेज। तो अब हमारे बिजनेस मैनेजर में ये एसेट्स क्या होंगी, आ जाएंगी, देखो जरा आ गया एसएमएस गेटवे और यहाँ पर लिखा है प्री ट्यूटोरियल ऑन दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, पर जो भी एसेट की आप पार्टनरशिप करना चाहो यहां से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सिस्टम यूजर, तो सिस्टम यूजर क्या होता है इसकी बात हम करेंगे ऑटोमेशन कोर्स में, काम पड़ेगा हमें, अभी नहीं बताएंगे, ऑटोमेशन जब बताएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। और ऑटोमेशन नहीं, बेसिकली हम आपको जब ऑफिशियल क्लाउड एपीआई सेटअप करना बताएंगे ना तब इसकी खास जरूरत पड़ेगी हमें। तो मेनली दो तरह के यूजर होते हैं, पीपल और पार्टनरशिप। यहाँ पर आप तरह तरह के परमिशंस दे सकते हो और आपको देना भी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास अकाउंट का ऑप्शन, जिसको हम एसेट भी बोलते थे पहले, इसमें आपको पेजेस दिखेंगे, ठीक है। तो देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी अभी जब पेज बनाया था, तो हमने बताया था कि एक पेज को एक बिजनेस मैनेजर में ऐड किया जा सकता है, एक पेज को, लेकिन एक बिजनेस मैनेजर में कई सारे पेज को ऐड किया जा सकता है, एक पेज को एक बिजनेस मैनेजर में ऐड किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन एक बिजनेस मैनेजर में कई सारे पेजेस को ऐड किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक पेज बनाया प्री ट्यूटोरियल्स, जैसे हमारा ये मेन पेज है प्री ट्यूटोरियल डिजिटल मार्केटिंग और रिसर्च टूल, मैंने आपको ये बताया था ये दूसरे बिजनेस मैनेजर में ऑलरेडी एडेड है ना, तो उसको मैं इस बिजनेस मैनेजर में ऐड नहीं कर सकता हूं। क्लियर यहां तक बात? देखो यहां पर मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी है लेकिन ऐड नहीं हुआ, क्योंकि रिक्वेस्ट तो गई लेकिन जब तक वहां से हम रिमूव नहीं करेंगे यहां ऐड नहीं कर पाएंगे। क्लियर बात? यहां पर इस तरीके से आप 1, 2, 3, 4, 5, 10 पेज ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी पेजेज ऐड कर सकते हो, लेकिन एक पेज एक ही बिजनेस मैनेजर में ऐड होगा, ठीक है। तो यहां पर SMS गेटवे है, तो SMS गेटवे अगर इस पेज में ऐड हो गया तो अब ये SMS गेटवे दूसरे बिजनेस मैनेजर में ऐड नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखो। इसको अगर हमने यहाँ ऐड कर लिया है तो ये कहीं और ऐड नहीं होगा, परमिशन हम जरूर दे सकते हैं। क्लियर यहाँ तक बात? तो पेजेस को अगर आपको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऐड पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आते हैं कई सारे। पहला ऑप्शन जरा क्या है ध्यान से पढ़ो, ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज। आपके पास कोई फेसबुक पेज बना पड़ा है पहले से, उसको आप इस पर्टिकुलर बिजनेस पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कोई पेज अगर पड़ा है तो फेसबुक पे आएंगे और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये पेज है इंस्पायर इन्फिनिटी करके एक पेज है, ठीक है। तो अगर इस इंस्पायर इन्फिनिटी वाले पेज को हमें ऐड करना है तो इस पेज की URL हम कॉपी करेंगे या आप सर्च भी कर सकते हो, और इसको हम क्या करेंगे ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेज का URL या नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, नाम भी डालोगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सर्च किया और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक किया और ये कह रहा कि इनके यूज़र कौन होंगे, तो यूज़र आपका जो मेन यूज़र होगा वो यहाँ पर दिखा देगा, आप कई सारे यूज़र्स को भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फाइनली हम अग्री करेंगे और क्लेम पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो ये क्या करेंगे, इंस्टाग्राम लॉगिन आपसे मांगेगा, लॉगिन कर देंगे तो आपका ये पेज जो है यहाँ पर ऐड हो गया। अब एक पेज अगर यहाँ पर ऐड हो गया, अब ये सेम पेज किसी दूसरे बिजनेस मैनेजर में ऐड, ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर कई सारे पेजेस को ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप पेज को हटा भी सकते हो, जैसे ये पेज हमने जो भेजा था इनका रिक्वेस्ट ना, इसको भेजने और ना भेजने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि अगर उस बिजनेस मैनेजर का एक्सेस होता तब तो ठीक है, बट एक्सेस ही नहीं है तो रिक्वेस्ट भेज करके हम क्या ही कर लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा और डिस्कनेक्ट होने के बाद में यहाँ से परमानेंट रिमूव मैनेज रिक्वेस्ट कैंसिल रिक्वेस्ट कर देंगे,
कैंसिल करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक पेज आपने ऐसे करके ना ऐड कर दिया। तो एक चीज़ और समझिए, जैसे यहाँ पर हमारे यूजर्स कितने हैं, 1, 2, दो एक्टिव यूजर हैं, एक मैंने इनवाइट किया था, वो एक्सेप्ट करेगा तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब एक पेज में, जैसे ये पेज है ना, इस पेज में आप मल्टीपल पीपल्स को एक्सेस दे सकते हो, मल्टीपल पीपल्स को एक्सेस दे सकते हो। जैसे हमने अभी आपको बताया था पेज में गए थे और उस पेज में हमने पेज का एक्सेस दिया था, याद है आपको कहाँ से दिया था? पेज में गए थे, फिर डैशबोर्ड में गए थे, जैसे यहाँ पर देखो होम पर जाते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में गए थे ना, यहाँ से हमने पेज एक्सेस दिया था ना, ये वाला पीपल को एक्सेस दिया था। सेम वो काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, बिजनेस मैनेजर से भी। एक पेज है और इसमें आप किसी दूसरे यूजर को एक्सेस देना चाहते हो, लेकिन वो यूजर आपके यहाँ पर ऐड होना जरूरी है पहले। जैसे यहाँ पर रवि प्री ट्यूटोरियल 369 रविकांत, आप किसी दूसरे तीसरे यूजर को यहाँ हम नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर जो ऑलरेडी आपने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में यूजर ऐड किए हैं उन्हीं को केवल दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं रवि सर्च करूंगा तो केवल रवि दिखा रहा ना, तो यहाँ हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पेज है ना, इसको हम किस पीपल को ऑप्शन दे रहे हैं कि ये वाला पीपल इस पेज को मैनेज कर पाएगा। तो हमने इसमें दो पीपल ऐड किए हैं अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस के अंदर दो पीपल हैं। मान लो हमारी टीम में 10 एम्प्लॉई हैं और किसी कंपनी का मैंने पेज लिया और उस कंपनी के पेज में मैंने दो लोगों को परमिशन देना चाह रहा हूँ कि यार तुम और तुम मैनेज करोगे, तो पहले तो वो 10 लोग आपके बिजनेस में है ना, उसी से दो लोगों को तो दोगे या किसी बाहर वाले को बुला के दे दोगे? तो वो 10 लोग यहाँ पर पहले से हैं इस वाले पीपल में, उस बिजनेस में पहले से हैं। अब इसमें से 10 में से किसको आपको देना है, वो यहाँ पर असाइन पीपल पर क्लिक करो और ये वाला जो पेज है देखो यहाँ पर ये है ऑलरेडी असाइंड। ऑलरेडी असाइंड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये पेज एक्चुअली में हमारा पहले से असाइन होगा और यहाँ पर क्लाउड API और तरह तरह की चीज़ें दिखा रहा है ना। क्लाउड API ये सिस्टम यूजर दिखा रहा है, सिस्टम यूजर का भी ऑप्शन आता है। ये है ऑलरेडी असाइंड, ऑलरेडी असाइंड वाला आपको देखो यहाँ दिख रहा है ना कि भैया ये जो रवि प्री ट्यूटोरियल 369 है ना, इनको पहले से ही पूरा एक्सेस दिया गया है, लेकिन बाकी जो यूज़र हैं यहाँ पर जितने भी यूज़र हैं वो सारे आ गए, कोई थर्ड यूज़र नहीं आएगा यहाँ पर, बाहरी यूज़र नहीं आएगा। और जो परमिशन आपको देनी है आप यहाँ असाइन करके क्या कर लो, असाइन कर लो। तो अभी ये जो दो यूज़र हमने ऐड किए थे, इन दोनों यूज़र को इसका परमिशन चला गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पेज है, इस पेज का नाम क्या हमने डाला था, प्री ट्यूटोरियल डिजिटल मार्केटिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नवल किशोर रोड करके बना है। इस पेज में हमने दो पीपल को ऐड किया है, किसको किसको, रवि प्री ट्यूटोरियल को और सपोर्ट का। तो आई थिंक ये सपोर्ट का अकाउंट है और इसमें आकर के हम देखते हैं कि इसमें कोई पेज और दिखा रहा है क्या। ये पेज है और इस पेज में हमने इन यूजर को एक्सेस दिया है, तो यूजर में जाएंगे और यही यूजर है ना, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पर, देखो पेजेस यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा प्री ट्यूटोरियल नो। अच्छा अभी ऑप्शन तो तब आएगा ना जब यहाँ से हम शायद एक्सेप्ट करेंगे, नहीं एक्सेप्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इस पीपल को हमने पेज का एक्सेस दे दिया। ये पीपल हमारा है support@, अच्छा प्री ट्यूटोरियल है, सॉरी हमें लगा ये यहाँ पर दूसरा यूज़र है भैया, यहाँ पर जो यूज़र है ना ये support@vendsoftware करके है, टेंडरिंग कार्ट है, ठीक है। तो अगर हमारा वो वाला अकाउंट होता ना support@preTutorial, जहाँ भी ये होगा उनको ये एक्सेस चला गया होगा, है ना, उनके पेजेस के ऑप्शन में ये दिख जाएगा, यहाँ पर पेजेस में ये पेज दिख जाएगा, ठीक है। तो ढूंढना पड़ेगा वो कौन सा है भैया support@preTutorial, यूज़र ढूंढना तो बड़ा मुश्किल होगा, एक बार फिर भी ट्राई तो कर ही लेते हैं। हमने जो परमिशन दिया है इस पेज का किसको दिया है, support@preTutorial वाला। अब ये 2FA लगा है, आप लगा के देखना, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और हम करेंगे भी, अभी बहुत बार हमें शायद ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। तो आप कुल मिलाकर के ये समझें कि यहाँ से आप एक जो पेज बनाया है उसमें आप डिफरेंट पीपल को परमिशन दे सकते हैं। अच्छा ये आप पीपल से पेज को भी परमिशन दे सकते हैं, जब आप पीपल ऐड करते हैं ना वहाँ से भी आप दे सकते हैं, बात तो वही घुमा फिरा के,
चाहे पेज से पीपल को परमिशन दो, चाहे पीपल से पेज को परमिशन दो, मतलब इस पीपल को क्या परमिशन देनी है वो भी आप कर सकते हो, और इस पेज में किन पीपल को ऐड करना है वो भी आप कर सकते हो, वैसी वर्षा। साथ ही साथ इस पेज को अगर आप किसी पार्टनर को परमिशन देना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। कनेक्टेड एसेट का एक ऑप्शन है, कनेक्टेड एसेट का मतलब ये है ना कि जो ये आपने पेज बनाया है इसमें आप जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी एक एसेट है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो वो यहाँ से भी कर सकते हो। हालांकि ये हमने लिंक्ड अकाउंट से भी किया था अगर आपको याद है, रिविजन करना तो समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पीपल, पार्टनर और कनेक्टेड एसेट को देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, तीनों को परमिशन यहाँ से दे सकते हैं। किसी भी पेज में किसको किसको परमिशन दे सकते हैं, किसी पीपल को दे सकते हैं, पार्टनर को दे सकते हैं, और एक तीसरा काम है किसी दूसरी एसेट को अपने पेज के साथ अटैच भी कर सकते हैं। व्यू ऑन फेसबुक, तो यहाँ पर आपको अगर ये पेज फेसबुक में ओपन करके देखना है तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हो, और यहाँ पर आपको रिमूव वगैरह करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा खेल पेज का। अब समझो आपके पास जितने भी पेजेज होंगे, 1, 2, 3, 4 शायद बनाए हों, जितने भी पेजेज होंगे उनको क्या करोगे, किसी बिजनेस मैनेजर में जाकर के सारे ऐड करोगे। ऐड करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करोगे और ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज पर क्लिक करोगे और यहाँ पर अपना पेज ऐड कर लोगे। इन केस अगर आपका पेज आपके पास नहीं है, किसी दूसरे का पेज है, तो आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट शेयर्ड एक्सेस टू अ पेज, किसी दूसरे के पेज का एक्सेस लेना है अपने बिजनेस मैनेजर में, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उसके पेज की URL डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, उसको रिक्वेस्ट चली जाएगी, अगर वो अलाउ करेगा तो उसका पेज उठ के आपके पेज में आ जाएगा। या फिर लास्ट एक ऑप्शन है, आपको नया पेज बनाना है तो क्रिएट अ न्यू पेज, यहाँ से भी आपको पेज बनाने का ऑप्शन मिल रहा है। कल हमने देखे थे ना 2-3 ऑप्शन कहाँ कहाँ से पेज बना सकते हैं, यहाँ पर आप पेज बना भी सकते हो। पेज का ऑप्शन सबको क्लियर, जा करके इसको एकदम रट लेना, एकदम रट लेना। अकाउंट में 5 तरह के अकाउंट हम बना सकते हैं, कौन कौन से बोल के बताओ जरा, 6 तरह के सॉरी, पेज अकाउंट, एड अकाउंट, बिजनेस एसेट ग्रुप, एप्स, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप अकाउंट। रटा होना चाहिए सबकी जबान पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस पोर्टफोलियो जिसको समझ आ गया ना उसको बहुत कुछ इजी लगने लगता है, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं एड अकाउंट पर, ठीक है। तो जिस तरीके से पेज एक एसेट है, एक अकाउंट है, उसी तरीके से एड अकाउंट भी एक अकाउंट या एसेट है। अब किसी भी नए बिजनेस मैनेजर में आपको शायद एक ही एड अकाउंट बनाने का ऑप्शन मिले, आप एक से ज्यादा एड अकाउंट ऐड नहीं कर सकते हो, बना नहीं सकते हो, ठीक है, बना नहीं सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो अगर आपका ऐड थोड़ा पुराना है, आपने पैसा सा खर्च किया है और बिजनेस मैनेजर आप अच्छे से चला रहे हो, तो आपको 5 ऐड अकाउंट तक का ऑप्शन मिलता है बनाने का। हमारे पास है 5, ये देखो इसमें हम 5 ऐड अकाउंट बना सकते हैं, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पर क्लिक करके 5 अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है, ऐड अकाउंट का काम होता है ऐड को चलाना, ऐड से हम ऐड अकाउंट से ही हम ऐड को चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड अकाउंट में हम आएंगे तो यहाँ पर 4 ऐड अकाउंट हमारे बने पड़े, इसको जा करके ना मतलब देखना, थोड़ा टाइम देना है ना, एक्सप्लोर करना, तभी समझ आएगा। ऐड अकाउंट में 4 ऐड अकाउंट यहाँ पर पहले से ऐड हैं, हम ऐड पर क्लिक करते हैं और ऐड पर क्लिक करके आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट का ऑप्शन आता है, नया ऐड अकाउंट आपको बनाना है तो हम क्लिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नया ऐड अकाउंट बना देंगे। अगर आपको ऑप्शन इनेबल नहीं होगा तो बनाने के बाद एरर आ जाएगी कि यू आर नॉट एलिजिबल, है ना, या अकाउंट लिमिट रीच्ड, ऐसे करके एरर आ जाएगी। क्लेम एन एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट, मान लीजिए कोई ऐसा ऐड अकाउंट है जो आपके बिजनेस मैनेजर में ऐड नहीं है, ऐसा हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो 4 ऐड अकाउंट हैं, मैं क्या करूँगा, ओपन इन ऐड मैनेजर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये हमारा ऐड मैनेजर है, मैं देखूँगा टोटल मेरे पास ऐड अकाउंट कितने हैं, तो यहाँ पर आपको टोटल ऐड अकाउंट दिखेंगे। देखते हैं यहाँ पर कितने ऐड अकाउंट हमें शो करता है, 1, 2, 3, 4 और सी मोर पर क्लिक करूँगा तो टोटल हमारे पास देखो कितने ऐड अकाउंट हैं, इतने सारे हैं। इसमें ये बता रहा है, ये जो प्री ट्यूटोरियल आपका बिजनेस है ना, इसमें आपके ये 4 ऐड अकाउंट ऐड हैं, एससी फिजिक्स वाले में 2 ऐड अकाउंट ऐड हैं और ये आपका एक पर्सनल ऐड अकाउंट है। ऐड अकाउंट 2 तरह के होते हैं, एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, एक प्रोफेशनल ऐड अकाउंट होता है। तो ये बेसिकली रविकांत नाम हमारा प्रोफाइल है, तो एक प्रोफाइल का ऐड अकाउंट बाई डिफॉल्ट सबका होता ही होता है, आप सबका बना पड़ा है। जितने लोग प्रोफाइल बनाएंगे उनका ऐड अकाउंट एक पहले बन ही जाता है,
तो आपको जब आप admanager.facebook.com पर जाओगे ना, इस वेबसाइट पर admanager.facebook.com, तो वहां पर आपको एक ऐड अकाउंट आपका प्रोफाइल के नीचे, नाम के नीचे दिख जाएगा और आपकी प्रोफाइल के नाम से ही ऐड अकाउंट होगा। ये सबके पास होता है, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल है, लेकिन बाकी सारे क्या हैं, ये सारे हैं प्रोफेशनल ऐड अकाउंट। लेकिन ये वाला मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट है, इंडिविजुअल ऐड अकाउंट है। ध्यान से समझना हमारी बात। इस बिजनेस मैनेजर के अंदर मैंने इस वाले पर्सनल अकाउंट को ऐड किया है, ना यकीन हो तो दोनों की आईडी मैच कर लो। ये बिजनेस मैनेजर अलग है, ये बिजनेस मैनेजर अलग है और ये बिजनेस मैनेजर अलग है, एक प्री ट्यूटोरियल्स के नाम से, एक सीवी फिजिक्स के नाम से है, और ये मेरी है पर्सनल प्रोफाइल। तो ये पर्सनल वाला ऐड अकाउंट इस बिजनेस मैनेजर में ऑलरेडी एडेड है। अगर इस वाले पर्सनल ऐड अकाउंट को मैं इस वाले बिजनेस मैनेजर में ऐड करना चाहूं तो ऐड कर सकता हूं। कैसे करना है, आपको इस ऐड अकाउंट पर जाना है, और जब आप इस ऐड अकाउंट पर जाएंगे ना, तो आपको ऐड अकाउंट की आईडी मिल जाएगी, कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर देखो लास्ट में 64 है, ऊपर यूआरएल में आपको दिख जाएगा ये 64 है। अब हमारा ऐड अकाउंट कौन सा था, ये वाला, ये प्री ट्यूटोरियल वाले बिजनेस मैनेजर में है ना हम लोग। तो यहां पर हमें जो मेरा पर्सनल वाला ऐड अकाउंट है उसको क्या करना है, क्लेम करना है। तो क्लेम एन एग्जिस्टिंग अकाउंट पर क्लिक करूंगा और यहां पर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। तो यहां पर बता रहा है क्या, वंस क्लेम्ड यू कैनॉट रिमूव द ऐड अकाउंट फ्रॉम योर बिजनेस पोर्टफोलियो। अगर एक बार आपने क्लेम कर दिया तो दोबारा यहां से रिमूव नहीं कर पाओगे, है ना। तो एक बार मैं क्लेम करके दिखा देता हूं आपको, और ये क्या कह रहा है, ऐड अकाउंट लिमिट रीच्ड, कि भैया आपकी लिमिट रीच हो गई, आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, रिक्वेस्ट टू शेयर एन ऐड अकाउंट, ठीक है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, अपना जो ऐड अकाउंट है ना, विच ऐड अकाउंट यू वांट टू रिक्वेस्ट एक्सेस, यहां पर किसी और ऐड अकाउंट का अगर आपको रिक्वेस्ट एक्सेस लेना है जो आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में नहीं है, उसको आप ऐड करके यहां से कंफर्म करके क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और डन कर सकते हो। ये भी एक तरीका है जो हमने अभी करके दिखाया, हमारा जो पर्सनल वाला था उसको क्या कर दिया, शेयर कर लिया, ये शेयर हो गया। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्लेम का मतलब उसके आप ऑनर बन जाओगे और शेयर का मतलब साझेदार बन जाओगे, बस इतना अंतर है इन दोनों में। और क्रिएट एड्स टू योर बिजनेस एड अकाउंट, तो यहाँ से आप नया एड अकाउंट बना सकते हो। अब ये जितने भी एड अकाउंट बने, यहाँ देखो लिखा शेयर पीपल ऑन दिस, है ना, इंडिविजुअल पीपल ऑन दिस, ये जितने भी एड अकाउंट बने हैं इनको आप रिमूव कर सकते हो। और एड अकाउंट में भी आप मल्टीपल यूजर्स को क्या दे सकते हो, एक्सेस दे सकते हो। जैसे यहाँ पर जो हमने यूजर ऐड किए थे ना, उसी तरीके से आप असाइन पीपल पर क्लिक करके किस किस की पीपल को इस ऐड अकाउंट का परमिशन देना आप कर सकते हो, पार्टनर को एक्सेस दे सकते हो और पीपल को एक्सेस दे सकते हो। ओपन इन ऐड मैनेजर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका पूरा ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा, जिसको हम अभी इस तरीके से देखते हैं। कल ये जो चीज़ हम कर रहे हैं दोबारा से एक बार रिवाइज भी करेंगे। यहाँ पर आप पेमेंट मेथड वगैरह दे सकते हो और यहाँ से आपको एडिट और डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन मिलता है। एडिट पर क्लिक करके अगर आपको नाम वगैरह चेंज करना है ना ऐड अकाउंट का, तो आप यहां से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप इसको थोड़ा गो थ्रू करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बिजनेस एसेट ग्रुप में। थोड़ा दिमाग पर दबाव पड़ रहा है सबके, अच्छी बात है। बिजनेस एसेट ग्रुप, यहां पर आप क्या कर सकते हो, कई सारी बिजनेस एसेट का एक ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। जैसे एसेट क्या होती हैं, पेजेज, ऐड अकाउंट, एप्स, इंस्टाग्राम अकाउंट, ये सारी क्या है, डेटा सोर्स भी आपका एसेट ही है, ठीक है। एसेट का मतलब कि बिजनेस की एसेट का ग्रुप बना दिया, जैसे वेंट सॉफ्टवेयर का ऐड अकाउंट, वेंट सॉफ्टवेयर का पेज, वेंट सॉफ्टवेयर का इंस्टाग्राम अकाउंट, वेंट सॉफ्टवेयर का व्हाट्सएप अकाउंट, इन सबको मैंने एक साथ एक ग्रुप में डाल दिया। और उस ग्रुप को बनाने से क्या फायदा होगा कि हमें किसी को परमिशन देनी है, जैसे हमारे पास वेंट सॉफ्टवेयर प्री ट्यूटोरियल और 10 और बिजनेस का सब कुछ है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप करके रखेंगे, वेंट सॉफ्टवेयर का पूरा एक ग्रुप बना लेंगे, प्री ट्यूटोरियल का ग्रुप बना लेंगे और 10 लोगों का ग्रुप बना लेंगे। अगर किसी को परमिशन देनी ना, तो पूरे ग्रुप का एक्सेस दे देंगे और सारी चीजों का एक्सेस चला जाएगा, एक एक करके एक्सेस आपको देने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हो आप, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऐड पर क्लिक करके मल्टीपल एसेट्स को ऐड करके और ग्रुप बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको तरह तरह के ऑप्शन मिलेंगे, हाउ डू यू वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज योर वर्क, सेपरेट ब्रांड्स और लाइन ऑफ बिजनेसेस, डिफरेंट रीजंस, एजेंसी हो या फिर अदर हो, ठीक है। तो जो भी है आप कंफर्म पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अपने ग्रुप का नाम डालो और उस ग्रुप में सारी एसेट को ऐड करके रख लो, ठीक है। एक बना के दिखा दूँ, टेस्ट एसेट ग्रुप।
हमने इस ग्रुप का नाम डाल दिया, ठीक है। और इस ग्रुप में हमने क्या किया, SMS गेटवे का पेज ऐड कर दिया और यहाँ पर ये वाला ऐड अकाउंट ऐड कर दिया, और जिन जिन चीज़ों को आपको ऐड करना है इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर दिया, और भी जो चीज़ें, ये सारी एसेट्स हैं, पेज, ऐड अकाउंट, पिक्सल, इंस्टाग्राम अकाउंट, ऑफलाइन इवेंट, कैटलॉग, ऐप्स, कस्टम कन्वर्जन, ये सब एसेट हैं। तीन एसेट को हमने एक ग्रुप में ऐड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये ग्रुप किसको आप अलाउ करना चाहते हो, तो मैंने रविकांत को कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि परमिशन वगैरह आपको जो भी देनी है वो आप दे लो। अभी इसका आधिकारिक कौन है, रवि है। अब ये जो ग्रुप मैंने बनाया है, इस ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, पीपल को असाइन कर देंगे। तो जिस पीपल को असाइन करेंगे तो ये पूरी एसेट्स चली जाएंगी एक साथ, आपको एक एक करके नहीं देना। अभी हम क्या कर रहे थे, पेज में पीपल को ऐड कर रहे थे, ऐड अकाउंट में पीपल को ऐड कर रहे थे, इंस्टाग्राम अकाउंट में पीपल को ऐड करेंगे, सब में जाकर के पीपल को ऐड करेंगे ना। तो हमने ग्रुप में सारे एसेट डाले और उस एसेट को हमने एक पर्सन को दे दिए। एक उदाहरण से समझते हैं, हमारे ऑफिस में कई सारी एसेट्स हैं, चेयर हैं, टेबल हैं, फैन हैं, लाइट्स हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। हम एक एक करके दे रहे हैं, भैया ये सागर इसको तुम देखोगे, भैया टेबल को तुम देखोगे, चेयर को तुम देखोगे, एक एक करके हम दे रहे हैं। एक बार हमने क्या किया, एक ग्रुप बना के दे दिया, लो भैया ले जाओ, एक साथ दे दिया। अब एक ग्रुप बना दिया तो अच्छा, ये डिजिटल है तो डिजिटल में हम कई लोगों को दे सकते हैं, फिजिकल तो मान लो हमने सागर को ही दिया। यहाँ पर जो हमने ग्रुप बनाया ना, उसको हमने सागर को भी दे दिया, रवि को भी दे दिया, जिसको जिसको देना है दे दिया कि भैया तुम ये पूरी चीज़ मैनेज, मतलब वो ग्रुप में जो जो चीज़ें पड़ी हैं वो जिसको दे दिया वो सारी चीज़ें वो मैनेज कर पाएगा। तो ये इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ ऐप्स की हमें काम आती है, ये ऐप्स क्या होते हैं, ये वो वाले ऐप्स नहीं होते हैं, ये ऐप्स अलग होते हैं, हम ऐप बनाना सीखेंगे व्हाट्सएप क्लाउड API में। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट एकदम एग्जैक्टली सेम है, जैसे हम फेसबुक पेज ऐड करे थे उसी तरीके से आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाओ, इंस्टाग्राम अकाउंट की आईडी डालो और यहाँ पर क्लेम आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लो, तो इंस्टाग्राम अकाउंट आपका यहाँ पर क्लेम हो जाएगा। क्लेम होने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा और इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें पीपल को साइन कर सकते हो, पार्टनर को साइन कर सकते हो और एसेट को कनेक्ट भी कर सकते हो। देखो ये जितने भी पेजेस, ऐड अकाउंट, ये सब है ना, ये सब एसेट कहलाते हैं, इन सबको आपस में कनेक्ट करना हमें होता है, ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम कल इसको और गो थ्रू करेंगे तो और आपकी पिक्चर क्लियर होगी। इसी तरीके से आपका होता है व्हाट्सएप अकाउंट, यहाँ पर आप तरह तरह के व्हाट्सएप अकाउंट को क्या करोगे, ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्लाउड API वाला, या फिर आपको अलग से कोई नंबर ऐड करना है तो यहाँ पर आप नंबर ऐड करके डाल सकते हो। आज इतना ही रखते हैं, जो सीखा है एक बार प्रैक्टिस करके आना, कल ये चीज़ हम दोबारा करेंगे क्योंकि डेली और प्रतिदिन हमें इसका काम आने वाला है। अगर आप फेसबुक ऐड सीखोगे तो ये ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो आपका खुले ना, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है अपने डर को दूर करना है हमें, अभी हम डर को ही दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हवा ना लगे, है ना, देख करके अरे यार ये सब क्या है, ऐसा ना फील आए, है ना। हाँ, तो हिस्सा ही बनाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार आपको समझ आ गया ना, भाई साहब ये सब कुछ नहीं है, अब अगर डेली यूज करोगे तो कुछ नहीं है, सब एकदम हलवा है, सब समझ आनी चाहिए। लेकिन समझ कब आएगी, टाइम और प्रैक्टिस से आएगी, एक दिन में नहीं आएगा, आपको डेली यहाँ पर आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक एक चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी और आपको आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सभी को, किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। चलो ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, ठीक है।